और ये घर बने हुए ना जितने भी ये सारे 150 साल पुराने, इनके घर बाहर के ना बोर्ड भी लिखे हुए होंगे और इनके ऊपर डेटे भी लिखी हुई होंगी इस डेट के घर। अच्छा, ये सिलीज बेकरी है जो की 100 साल पुरानी बेकरी है और अभी तक चल रही है 100 साल। ये देखो ये पार्क है, ठीक है, जो 150 साल पुराना है, जो अंकल हमें बता रहे थे अंदर से पार्क की हालत देखो भाई। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो भाई आज की व्लॉग में जो आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा यार, एक ऐसी हम आप लोगों को कॉलोनी दिखाने वाले हैं, ठीक है। हम लोग पूछ लेते हैं इस भाई से, इस भाई को कुछ ज़्यादा पता होगा इस बारे में। फिर भाई आप लोग इस कॉलोनी के बारे में बता दें यार, ये कॉलोनी किस टाइप की है और क्या क्या सूरत हाल है? कॉलोनी के टाइप के बारे में बताऊँ, एक टाइप ना हॉन्टेड का कॉलोनी है, सही है, हॉन्टेड टाइप कॉलोनी है। अच्छा, और ये जो घर बने हुए ना जितने भी ये सारे 150 साल पुराने, इनके घर बाहर के ना बोर्ड भी लिखे हुए होंगे, इनके ऊपर डेटे भी लिखी हुई होंगी इस डेट के घर। अच्छा, मतलब ये पारसी कॉलोनी है, पारसी कॉलोनी है। और देखो सामने घर वर देखो ना, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे 1920-1900 ऐसे जमाने के। और ये देखो भाई, और सब खाली है, देखो ठीक हो सामने देखो, कब्जा कर लें आगे। ये सब खाली है। अच्छा यार, ये मतलब यहाँ अभी कोई रहता है नहीं रहता है इन घरों वरों में? यहाँ पे आधे ज्यादा वीरान पड़े हैं, और अगर कोई रह रहे ना तो कुछ ने कब्जा किया होगा, मारा होगा, और बाकी जिनके हैं वो फिर पुराने चलते हुए आ रहे हैं, वही रह रहे होंगे। हाँ यार, मैंने भाई से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात इसी मतलब टॉपिक हो रही थी, भाई ने बोला कि यार ये जो कॉलोनी है ना आप लोगों को ले, हम लोगों ने भाई से पहले मैसेज पे बात हमारी चल रही थी, ठीक है, ये वही भाई है जो पिछले व्लॉग में भी आए थे, तो भाई के साथ हमारी मैसेज पे बात चल रही थी, तो भाई ने बोला यार ये कॉलोनी विजिट कर लो, ठीक है। खैर यार, जब अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ना भाई, जगह का नाम क्या है, बेकरी कौन सी है? ये सिलीज बेकरी है जो कि 100 साल पुरानी बेकरी है और अभी तक चल रही है। 100 साल पुरानी बेकरी है, और इनके जितने पुराने ना सारे लोग चलाते हुए आ रहे हैं, बेटे इस तरह करके। अच्छा, मतलब पहले किसी परदादे की फिर दादे की, इस तरह चलाते आ रहे हैं, बंद नहीं हुई अभी तक, अभी तक बंद नहीं हुई है। तो भाई ये जो सिलीज बेकरी है ना, ठीक है, 100 साल पुरानी, जिसके भाई बात कर रहे थे, अंदर जाके रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है भाई, चले आ जाए। टी केक दे दे, टी केक में कौन कौन से फ्लेवर है? जी चलो सही, एक दे दे। तो भाई ये केक ले रहे हैं भाई, ठीक है, और यार ये समझ नहीं आ रही मुझे, 100 साल पुरानी यार, वाकई में 100 साल पुरानी है, संडे को क्लोज होती है। अच्छा यस भाई, ये इनका केक है, ठीक है, खोल के दिखाते हैं आपको, बैठे आओ आओ खोल, खुला बड़े मजे का है, अरे ट्राई करते भाई, झूला भी है, झूला भी पुराना है। ओ भाई ये केक है, यस ये टी केक है, असल में टी केक, ये वाला 550 का, ये आप टेस्ट करो कैसा लगा भाई, चीज तो अच्छी है, आप भी करो ट्राई भाई। यार मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि भाई 100 साल पुरानी बेकरी, और बेकरी की हालत देखो यार, ये बेकरी इस जमाने में ऐसी बेकरियां चलती हैं, चल रही है भाई ये बेकरी, ठीक है, जैसे भाई का कहना है कि भाई रोज का इनका बहुत है मतलब काम, ठीक है, यहीं से गुजारा हो रहा है, हजारों की तादाद में निकलते हैं, हजारों की तादाद में केक निकलते हैं, कभी कभार इतना रश होता है 16,000 पे सीधे। ओ भाई दिन में हजारों की तादाद में, ओ भाई भाई भाई, कभी कभार इतना रश होता है मतलब ये लोग ऑर्डर पूरे नहीं कर पाते। अच्छा, और ये भाई बोल रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, ठीक है, केक वे लेते हैं। अभी ये जो दो भाई जा रहे हैं इनके हाथ में भी देखो केक है। तो भाई यार मैं इस बात पे हैरान हूँ, खैर आगे चलते हैं घर पर देखते हैं। तो भाई इस कॉलोनी के बारे में हमें जिन भाई ने बताया, ठीक है, इन भाई का भी एक चैनल है, ठीक है, मुंडा पाकिस्तानी के नाम से, मैंने पहले भी आप लोगों को व्लॉग में बताया हुआ था, ठीक है, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, डेली व्लॉग अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और अच्छी अच्छी कंटेंट ला रहे हैं, अच्छा अच्छा मतलब आपको एक्सप्लोर वगैरह के बारे में एक से एक कंटेंट भाई को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में कंटेंट चाहिए तो भाई के आप लोग जाके कमेंट्स में जाके, या भाई कम्युनिटी लगा देंगे अभी कि भाई किस चीज़ के बारे चाहिए, तो आप लोग लाजमी जाके कमेंट भी कर देना, भाई को सपोर्ट दिखाना और लव फ्रॉम शहरी वर्ल्ड लिख देना कमेंट्स में यार, ठीक है। तो भाई ये भाई की मैं चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, मुंडा पाकिस्तानी के नाम से भाई का चैनल है। आज भी लोग यहाँ से चीज़ें लेते हैं भाई, ठीक है, ये दो भाई खड़े हैं, ये अभी यहाँ से कुछ सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, और ये बेकरी है आगे, ठीक है, और ये भाई घर बना हुआ है, ये इनके सिंगल केक है ना, वो 2 पाउंड का, 1 पाउंड का मिलेगा भी नहीं, 2 पाउंड का मिलेगा 1600 रुपये का। ओ भाई ना महंगा महंगा है, लेकिन फिर इससे यहाँ पे आगे बड़े बड़े लोग लेते हैं, अभी यहाँ पे देखो ना ऑर्डर अभी आया था फूड पांडा वाला, 6 केक लेके गया आपके सामने। ओ भाई इतने लोग मंगवाते हैं। अच्छा, कुछ मतलब घरों के बाहर डेट लिखी हुई है, ठीक है, कुछ घरों के बाहर डेट मिट गई है तो हम लोग को दिखा नहीं पा रहे, ठीक है, ये सारे घर खाली हैं, देखो भाई ये डीगड़ा, ये मेरा घर है, मेरा घर डीगड़ा। अच्छा, वहाँ पीछे जो डेट वेट लिखी थी ना उसके साथ एक घर था, वहाँ एक आंटी रहती है, एक अकेली आंटी, हिम्मत है, बुढ़ी आंटी है, ठीक है, और है भी कोई अंग्रेज,
मुसलमान मुसलमान नहीं है भाई, वो अकेली रहती है ठीक है। और यहाँ सारी कॉलोनी खाली है। और ये पार्क जो है ना, ये पार्क जो नीचे, अबे हाँ ये जो नीचे ईंटे वीटे लगी हुई है ना, ये भाई बोल रहे हैं कि न्यू लगी हुई है ठीक है। ये जो नीचे दीवार लगी हुई है ना, ये न्यू है। और अंदर जो पार्क है ना ठीक है, ये अंदर सारा ये 150 साल पुराना पार्क है। 150 साल पुराना भाई, कब्जा कर लेते हैं यार हम भी। ये देखो गाइस, ये देखो सारा ना, ये देखो क्या बोलते फिर, मतलब खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है ठीक है। अंदर ये मतलब 150 साल पुराने अंदर आप लोग 24 आवर्स वाला चैलेंज बोलो तो करें, हम करें 150 साल पुराने। खैर गाइस यार, आप लोगों के लिए आया इतना दूर। और ये जगह मौजूद है ठीक है सदर में ठीक है, पारसी कॉलोनी। आप लोग नेट पे सर्च करो पारसी कॉलोनी के मतलब ये कितने साल पुरानी है, ये वो आप लोगों को लग पता जाएगा कि यार कितने साल पुरानी है। लोग कैसे बात करते ना, ए मैं डिकला डिकला। अच्छा ये यहाँ पहले वो लोग मतलब मुझे चाचू से इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत कलेक्ट हुई है, वो भाई तो चले गए, उनके साथ उनके अब्बू भी थे, उनसे थोड़ी बहुत हमारे को ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है कि भाई यहाँ पे रहते थे वो जो आग की पूजा करते थे। पारसी लोग बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं पता नहीं, वो पारसी बोलते हैं ना। ये देखो घर देखो गाइस यार, यकीन करो खौफनाक। और गलियां देखो, ये मतलब अंग्रेजों की गलियां थी ठीक है। अब यहाँ कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता। अब यहाँ मतलब कुछ कुछ घर हैं जहाँ एक दो बंदे रहते हैं, और वो भी वो हैं जो सरकारी बंदे, उन्होंने कब्जे किए हुए ठीक है। बड़े बड़े ओहदे पे हैं जो उन्होंने कब्जे किए हुए, बस अपना घर आके वो बंदे और घर जमा दिया है, जो मतलब उनके चलती नस्लें हैं, उनकी चलती नस्लें हैं। जैसे परदादे से परदादे से परदादे से मतलब बोलो, जब पाकिस्तान ये बना था ना, जब पाकिस्तान बना था उससे भी पहले की कॉलोनी है भाई ये। 1920 की आई थी, ये भी 100 साल 150 साल पुराना है। देख कैसे मजे से बैठा है। ओ भाई 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 अभी के इलेक्ट्रिक बन गया इसके घर का। खैर गाइस ये कॉलोनी है ठीक है, आप लोगों को मैं पूरी विजिट करा रहा हूँ। वैसे ये देखो गाइस, ये घर देखो भाई, कोई नहीं रहता। तो गैस ये देखो, ये पार्क है ठीक है, जो 150 साल पुराने हैं, जो अंकल हमें बता रहे थे अंदर से पार्क की हालत देखो भाई। अभी हम अंदर जा नहीं सकते हम लोग ठीक है, वो सामने एक बंगला है ठीक है, मेरे ख्याल में वहाँ कोई रह रहे हुए। वो सामने जो एक घर है ना जहाँ लाइट जल रही है ठीक है, एक तो डर भी बहुत लग रहा है। रोड देखो ना, रोड ऐसा सुनसान है ना। ये देखो ये पार्क है ठीक है, इसका नाम देखो दशहरा कतराक, पता नहीं ऐसी पार्क ऐसी कुछ है ठीक है। और ये जो सामने घर है ना, ये दीवार अभी बनी है नीचे से ठीक है। पहले देखो, पहले मतलब पुराने दौर में ऐसी दीवार थी। और इसका ये देखो डेट, देखो डेट आप लोगों को हमने दिखाई थी ना, 1928 भाई। और ऊपर नाम लिखा हुआ जिनका घर था, और नाम के जी को गरीब है, मतलब वो लोग आग की पूजा करने वाले थे, मुसलमान थोड़ी नहीं थे, उनके नाम तो ऐसे होंगे। और अभी यार अंधेरा हो रहा है ठीक है, मगरिब का टाइम हो रहा है। सारी कॉलोनी ऐसी है, घूम फिर के जाओ ना, सारी कॉलोनी ऐसी। एक तो रोड ऐसे डर लग रहा है, अभी कोई दो बंदे आएंगे बोलेंगे मोबाइल निकाल। फिर अभी यार अजान वजान हो रही है, नमाज वमाज पढ़ते हैं ठीक है, हम लोग चलते हैं फिर घर को। जितना हम लोगों से विजिट हो सका हम लोगों ने करवाया भाई। और आप लोग बताएं हम कौन कौन सी जगह विजिट करें ठीक है। यार मेरी इनकम आ जाए, इनकम ठीक है, इनकम आ जाए, पैसा आ जाए हाथ में एक दफ़ा बहुत सारा ठीक है, फिर हम जाएंगे पाकिस्तान टूर, पाकिस्तान टूर करने ठीक है, कितना बड़ा मजा आएगा। फिर अभी निकलते हैं। शेरी भाई क्या बोलोगे इस कॉलोनी के बारे में, आप थोड़ी अपनी राय दे दो, फिर हम निकलें ताकि कॉलोनी के अंदर कुछ बंगले आगे कब्जा करते हैं, फिर हम भी पारसी बनेंगे। ए पारसी बाबा आप क्या बोलेंगे बकर भाई, जबरदस्त जगह यार, ऐसा लग रहा है कैबी भी बना है जो आवाज है। देख पढ़ो कब से करे, कब से देखो जगह देखो यार, उन लोगों ने कैसे बनाया यार, किसी किसी यार अभी भी इधर ओ भाई भाई भाई, मतलब ये जो न्यू मतलब थोड़े बहुत रिनोवेट हुए हैं ना, रिनोवेट जो हुए हैं, ये कब्जा हुआ हुआ है ठीक है। और उसको बना के फिर लोग इधर रह रहे हैं, वो भी सरकारी बंदे रह रहे हैं, आम बंदा नहीं रह सकता। वो शेरी एक पीछे घर सील था, उधर क्या लिखा हुआ था, पोस्टर लगा था ऑनरेबल पता नहीं कुछ, क्या पता नहीं अंग्रेजी में लगा था, अंग्रेजी तो हमारे और गवर्नमेंट का पोस्टर लगा हुआ था, सील्ड हुआ हुआ था वो घर, मेरे ख्याल में उसमें असरात उसरात थे, ऐसे कुछ लिखा हुआ था पोस्टर पे, तो इधर कोई मतलब कब्जा नहीं कर सकता ठीक है। तो बाकी यार यही था ठीक है, हमारा आज का व्लॉग यहीं पे करते अपने व्लॉग का एंड, मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।